नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में गुरुवार के दिन कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब जानने से पहले आपको बता दूं, आ गई है एक ऐसी ऐप जिसके थ्रू आप लॉकडाउन में भी घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। ओमिक्रॉन आ रहा है, सबको पैसों की चिंता हो जाती है, अपने कामकाज की चिंता हो जाती है, खासकर की तो प्राइवेट नौकरी वालों को, क्योंकि प्राइवेट नौकरी पेशा वाले जो लोग होते हैं उनको कुछ पता नहीं रहता कि आगे उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे में आ गई है एक ऐसी ऐप जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हैं। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस, MYMYBIGBLISS, माई बिग ब्लिस। इस ऐप से आप चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो या फिर आप एक गृहिणी क्यों ना हो, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाह रहे हो, इस ऐप के थ्रू आप वो कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस के, बिना एक रुपया खर्च करे, बिना किसी हिडन रजिस्ट्रेशन चार्जेस के। करना बस छोटा सा काम होगा, फटाक से फ़ोन उठाना है, प्ले स्टोर पर जाना है और माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस पर आपको स्टोर बनाना है, जो भी सामान आप बेचना चाहते हैं वो प्रोडक्ट्स चढ़ाने हैं और फिर आपका स्टोर जब लाइव हो जाएगा फिर आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं यहाँ से आज के वायदा बाजार की। शाम के कारोबारी सत्र में वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, पहले बात करेंगे यहाँ पे कैसा सीड से। तो कैसे सीड का वायदा बाजार देख रहे हैं कि हम आज भी एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता नजर आ रहा है। कैसे सीड का दिसंबर वायदा देख रहे हैं, 6192 पर कारोबार कर रहा है, 6202 का ही लगा चुका, आधे फीसदी की तेजी है। देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार आज भी 6200 के ही घरों में एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से कैसर में आगे तेजी बनेगी, मंदी बनेगी, क्या लेवल्स रहेंगे, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, हम देख रहे हैं कि कैसे सीड अब कहीं ना कहीं स्टक होके रह गया, एक रेंज बाउंड देखने को मिली कैसे के अंदर। हालांकि हमने कीमतें नीचे में 6000 तक भी जाते देखी है, लेकिन फिर वहां से ऊपर 6100-6200 पर सस्टेन हुई। आपको क्या लगता है अब आगे कैसे की क्या रेंज रहेगी? देखिए, चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो कैस्टर में अभी हल्की करेक्शन और देखने को मिल सकती है, लेकिन वहीं फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में फार्म मिनिस्ट्री के जो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स आए हैं वो थोड़े से सपोर्टिव हैं प्राइजेस के लिए। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइजेस में डिप बन रहा है वहां से अगेन हमें बाइंग भी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में 6000 के आसपास की कमोडिटी सपोर्ट ले सकती है और वहां से अच्छे बाइंग लेवल्स बन सकते हैं। सपोर्ट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए 5900 के अराउंड और वहीं रेजिस्टेंस है 6400 के आसपास जी। तो यानी कि कैसा सीड में रविंद्र जी के मुताबिक अभी कुछ हल्की फुल्की मुनाफा वसूली और बनती नजर आ सकती है, उसके बाद फिर वहां से निचले स्तर से खरीदारी निकलेगी जो कैसे की कीमतों को ऊपर में 6400 तक लेके जाएगी। ये सर रविंद्र जी, बात करें अगर कुक्कुट की तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि आज 2800 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है, कल भी हमने 2800 के ऊपर ही इसको ट्रेड करते देखा था। आपको क्या लगता है, क्या वीकली क्लोजिंग होते होते अगर 2800 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में 2900 या 3000 के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, पहले भी हमने कोकोड की बात करी थी तो कोकोड में हमने हायर साइड के ही लेवल बताए थे। अभी फर्दर इसमें अगर देखें तो कॉटन की साइड से सपोर्ट मिल रहा है। कॉटन में प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी 55% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हायर साइड मूव कर रहे हैं। कंसर्न है इसका कि प्रोडक्शन कम हो रही है और दूसरा अराइवल्स जो है वो थोड़े स्लो हैं और डिमांड जो है एक्सपोर्ट साइड से वो काफी अच्छी है। इसी वजह से कॉटन प्राइसेस हायर साइड में है और वहीं से एज लेते हुए कोकोड प्राइसेस जो है ये फर्दर अपसाइड ही मूव करेंगे। चांसेस यही लग रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम इस कमोडिटी को 3000 के लेवल तक भी देख सकते हैं। सपोर्ट जो है जो शॉर्ट टर्म के लिए ये 2790 के आसपास होल्ड कर रहा है, तो अगर डिप करते हैं तो वहां से बाइंग करके चल सकते हैं जी। ये सर रविंद्र जी, बात करें अगर मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया अब 8900 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या धनिया अब आगने वाले दिनों में, क्या अगले हफ्ता से 9000 के ऊपर की डेली क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाएगा? धनिया की बात करें तो धनिया में फर्दर बाइंग के चांसेस बनते हैं क्योंकि जो सोइंग है वो थोड़ी सी स्लो है MP राजस्थान में और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं ये थोड़ा सा हायर साइड मूव कर रहे हैं।
टेक्निकल सपोर्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी धनिया में फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। सपोर्ट जो है शॉर्ट टर्म 8780 के आसपास है और वहां से चांसेस हैं कि कमोडिटी जो है ये हायर साइड में 9150 तक दिखा सकती है। जी ये सर रविंद्र जी बात करेंगे जीरे की, तो जीरे में भी देख रहे हैं कि 16,000 के ऊपर अब सस्टेन हो रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस से, आपको क्या लगता है क्या जीरे में भी आगे धनी की तरह कुछ तेजी बनती नजर आ सकती है? देखिए जीरा में भी सेम कंसर्न है, एक तो इसमें डिमांड जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है और साथ साथ में इसकी जो स्विंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है अभी भी और उसी वजह से प्राइसेस जो है ये हायर साइड मूव कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 15900 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रहा है कमोडिटी के लिए, चांसेस ये लग रहे हैं कि हायर साइड में 16500 और 16600 के लेवल हम इसमें जरूर आते हुए देखेंगे। जी ये सर बिंदु जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में आपको क्या लगता है? ठीक है, हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी आज हम देखते हैं कि कमोडिटी ऑलरेडी 2.3% के आसपास हायर साइड मूव कर रही है, चांसेस यही लग रहे हैं कि फर्दर हायर साइड में इसके लेवल्स जो बनते हुए दिख रहे हैं चार्ट्स पे वो 9460 के आसपास के बनते हुए दिख रहे हैं और चांसेस भी यही लग रहे हैं जिस तरीके का मूव है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम इस कमोडिटी को 9500 तक के लेवल्स पे देख सकते हैं। जी रविंद्र जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में आज भी तेजी का सिलसिला जारी है, आपको क्या लगता है ग्वार गम और ग्वार सीड में यहाँ से अभी जो तेजी है कुछ ट्रेडिंग सेशंस और जारी रह सकती है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे खरीदारी में रहा जा सकता है या फिर जिन लोगों को पहले कमाने का मौका नहीं मिला था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चले? देखिए ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्रूड की तरफ से भी एज मिल रहा है, साथ साथ में फंडामेंटल्स वो काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं जी। तो अगर किसी को पोजीशंस लेनी है तो एक डिप अगर आता है ग्वार सीड की बात करें तो 6000 के आसपास का डिप जो भी मिलता है वहां से बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। हायर साइड में हम इसमें अगर 1 से 2 महीने का वेट करेंगे तो 65 से 6600 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं ग्वार गम की बात करें तो गम में भी अगर 10,800 के आसपास का डिप मिलता है तो वहां से अगेन बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं और इसमें भी आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि प्राइसेस जो है ये 12,000 तक के लेवल्स अपसाइड में शो कर सकते हैं। वही सपोर्ट जो है ये 10,500 के आसपास का इसमें बनता हुआ दिखता है। जी तो यानी कि आने वाले कुछ महीनों में रविंद्र जी के मुताबिक ग्वार गम और ग्वार सीड फिर से अच्छी तेजी की ओर जाते नजर आ सकते हैं। रविंद्र जी बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि दिसंबर वायदा 6300 का लेवल दिखा चुका है, आज 6600 के बेहद करीब है अगर हाई की बात की जाए तो 2.25% की तेजी है, आपको क्या लगता है क्या यहाँ से सोयाबीन में अब फिर से वही रुझान देखने को मिलेगा जैसे पहले देखने को मिला था कि नीचे में 6000 और ऊपर में 6800 का रेंज? देखिए सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि प्राइसेस जो है वो अभी भी 6600 से नीचे में 6300 की रेंज में स्टक किए हुए हैं और जब तक इस रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड करती है चांसेस ये हैं कि इसमें ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी ना ही ज्यादा मंदी देखने को। जी रविंद्र जी आपको क्या लगता है अगर विदेशों में तेल तिलन बाजार में तेजी आती है तो क्या सोयाबीन 7000 का लेवल अभी भी दिखा पाएगी? जी बिल्कुल, अगर इंटरनेशनल सोयाबीन में तेजी देखने को मिलेगी तो वही सेम रिफ्लेक्शन यहाँ भी देखने को मिलेगा। अभी भी अगर चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो मंथली चार्ट पैटर्न्स जो है काफी पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक बार कंफर्मेशन होता है अगर इंटरनेशनल कमोडिटी बाजार में कुछ पैसा तो फर्दर हायर साइड देखने को मिलेगी। जी रविंद्र जी इनसे बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है हमने देखा है कि हाल ही में कॉटन में भी कुछ तेजी बनती नजर आई है? देखिए कॉटन में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें स्लो अराइवल्स और प्रोडक्शन को लेके कुछ कंसर्न्स हैं, उसी वजह से प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी 55% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलरेडी हायर साइड मूव कर रहे हैं और डिमांड जो है एक्सपोर्ट की वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉटन जो है ये भी हायर साइड मूव कर रहा है और सेम रिफ्लेक्शन हमारा M6 कॉटन भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आने वाले दिनों में 32500 तक के इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही सपोर्ट की बात करें तो 31500 के आसपास का एक स्ट्रांग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। जी तो यानी कि कॉटन की कीमतों में भी आगे तेजी बनती नजर आ सकती है। रविंद्र जी मैंथा की बात करें तो मैंथा में आपको क्या लगता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड इतनी कुछ खास देखने को मिल नहीं रही है मैंथा की, तो क्या अगर कुछ एक्सपोर्ट डिमांड निकलती है तो क्या मैंथा की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे अभी?
देखिए मेंथा में लास्ट टाइम भी जो हमारी बात हुई थी तो उस समय मैंने वहां से लोअर लेवल से बाइंग सजेस्ट करी थी। अभी भी यहां से टेक्निकल बाउंस बैक बनता हुआ दिख रहा है और चांसेस ये लग रहे हैं कि कमोडिटी जो है ये हायर साइड मूव कर सकती है आने वाले हफ्तों में। इसमें 990 से लेके 1000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही सपोर्ट जो है ये 945 के आसपास का सपोर्ट है और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल है, तो इसमें पोजीशंस बना के चलता जी। रविंद्र जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से जिनमें अगले हफ्ते भी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए एक तो मेंथा ही बाय करके चल सकते हैं, मेंथा में 940 के बिलो रखेंगे स्टॉप लॉस, टारगेट करेंगे 990 और 1000 को। वहीं दूसरा कॉल हमारा रहेगा कॉटन में, कॉटन में भी हम बाय करके चल सकते हैं, 31500 के नीचे का रहेगा स्टॉप लॉस, टारगेट करेंगे 32500 और 32700। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।